हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल अकेले वो 5 ऐप के बराबर वर्क करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको अलग अलग 5 ऐप्स इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ऐप को इंस्टॉल करेंगे और वो 5 ऐप के बराबर वर्क करेगा। ये जानने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम उस ऐप को ओपन कर लेते हैं और बताते हैं वो कौन सा ऐप है जो आपको 5 ऐप के बराबर वर्क करेगा। तो चलिए इस ऐप को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद सबसे पहला ऐप वो है फ्रेंड्स, जब आप अपने फ़ोन में वायरस को डिलीट करने के लिए ऐप इस ऐप को एक इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम होता है फ़ोन मैनेजर या जंक फाइल, ऐसे करके कोई भी आप इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आपको फ़ोन मैनेजर से इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आप इसी ऐप से अपने फ़ोन के वायरस को बिल्कुल क्लीन कर पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जंक फाइल है और यहाँ पे 532 MB जंक है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से क्लीन कर देता हूँ लाइव, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइव। इस ऐप से आप अपने फ़ोन के वायरस को बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पहला ऐप था, और अब हम आपको दूसरा ऐप के बारे में बताएंगे जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से फ्रेंड्स दूसरा ऐप वो है जो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने फोटो वीडियो को बैकअप करने के लिए एक अलग से आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं जिसमें आपका फोटो फाइल सेव रहे, तो वो आपको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बैकअप योर फोटो ऑटोमेटिक प्लेस में गूगल में आपका सेव हो जाएगा, और जो ये ऐप है गूगल का ऐप्स है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको तीसरा ऐप के बारे में बताते हैं, तीसरा ऐप क्या है। तो तीसरा ऐप के लिए यहाँ से ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, और ब्राउज़र पर क्लिक करने का फ्रेंड्स देख लीजिए, आप अपने मोबाइल में अलग से एक फ़ाइल मैनेजर को करते ही होंगे। फाइल होता होगा जिसमें आपको फ़ोटो इंटरनल स्टोरेज और मेमोरी कार्ड होता होगा, तो वो अलग से आप इंस्टॉल करते होंगे, लेकिन वो आपको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। वो फ्रेंड्स आप यहीं से देख सकते हैं, आपका जो इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड दोनों यहीं पर दिखाएगा, और ये अलग अलग फोल्डर आपको दिखाएगा। तो यहीं से आपको पूरा फाइल का मैनेज आप यहीं से कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख लिया, ये गूगल का ऐप है फ्रेंड्स, और इसका नाम है गूगल फाइल्स। तो ये तीसरा ऐप था जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और चलिए अब हम आपको चौथा ऐप बताते हैं जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कोई भी आप फोटो वीडियो को सेव करने के लिए अलग से एक सेव फोल्डर इंस्टॉल करते हैं, अब जिसमें आप अपने फ़ोटो वीडियो को सेव करने के लिए रखते हैं ताला लगा करके। तो फ्रेंड्स आप यहीं पर इसी ऐप में आप फोटो वीडियो को छुपा भी सकते हैं, इसके लिए यहाँ से सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसमें पिन डाल देंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस आप सेव फोल्डर में आप कोई भी फोटो वीडियो को यहाँ से रख सकते हैं। तो फोटो वीडियो कैसे रखना है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको रख के दिखा देते हैं। यहाँ से डाउनलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी फोटो वीडियो को हम रखना चाहते हैं, तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, मूव टू सेव फोल्डर, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये उसमें फिर से पिन डाल देंगे आप 1122, और ये मूव टू सेव फोल्डर में चला गया फ्रेंड्स, और आपको ये इस ये फोटो वहाँ से ताला लॉक हो गया। इस तरह से और भी आप कोई फ़ोटो रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं। तो चलिए एक और फ़ोटो को मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक ही यही फ़ोटो को हम दोबारा से एक अलग तरीके से रख के दिखाते हैं, और फिर इसको हम यहाँ से मूव टू सेव फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे पिन डाल देंगे, जितनी बार हम फोटो रखना चाहेंगे इस फोल्डर में वो पिन मांगेगा, और इस तरह से आप रख पाएंगे। तो ये चौथा ऐप था फ्रेंड्स, पहला जो था आपको फ़ोन पहला जो ऐप बताया था मैंने, जो फाइल आपको वायरस डिलीट करने के लिए आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, दूसरा बैकअप के लिए, और तीसरा जो बताया था आपने फाइल मैनेजर आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और जो चौथा बताया इससे आप सेव फोल्डर आप इसी में से आप फोटो वीडियो को लॉक कर पाएंगे और बिल्कुल सिक्योर रख पाएंगे, और कोई भी आपके फ़ोटो वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो फ़ोटो वीडियो है ये यहाँ पे सेव फोल्डर में आया या नहीं आया। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेव फोल्डर है, और मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, और पिन डालता हूँ 1122, और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देख लीजिए ये दोनों फ़ोटो जो मैंने सेव फोल्डर में किया था दोनों यहाँ पर आ गया, और आप चाहे तो इसको यहाँ से आप दोबारा से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर, और चाहे तो आप डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से 4 ऐप मैंने बता दिया जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और जो 5वां ऐप है फ्रेंड्स यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है, इस शेयर पे ऑप्शन करके आप कोई किसी को भी फोटो वीडियो सेट किसी के मोबाइल में आप सेंड कर सकते हैं, और किसी के मोबाइल से रिसीव कर सकते हैं। तो ये 5 ऐप है जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे फीचर है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी मैं बता देता हूँ। जैसे ये क्लीन है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके मोबाइल में जितने भी एक फाइल मतलब 2 बार होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे एक ही फ़ोटो अगर 4-5 बार होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा डुप्लीकेट फाइल्स करके, और आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे करके आप डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप
हर फाइल को आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सब दिखाएगा कौन सा फाइल कितने एमबी का है। फ्रेंड्स इसके बाद चलिए एक और हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्राउजर का, तो हम ब्राउज पे इसे क्लिक करेंगे यहाँ से। और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फेवरेट का है, तो ऐसे आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा फोटो होने के बाद क्या करते हैं आपको पता नहीं चलता है, ढूंढना पड़ता है, तो आप अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक इमेज को खोल लेता हूँ, उसमें डाउनलोड में फ़ोटो नहीं है, तो कोई भी एक इमेज को खोल लेता हूँ, जैसे ये इमेज है और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक किया, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू फेवरेट, तो आप यहाँ से ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर दें तो ये फोटो आपका फेवरेट में चला जाएगा और आप इस फोटो को डायरेक्ट फेवरेट फोल्डर से देख सकते हैं। तो देखिए ये फेवरेट फोल्डर में ये फोटो आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने एक ही ऐप्स में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए और भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड दोनों को अलग अलग यहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आप चाहें कि आप अपने जो यहां पे जो सेव फोल्डर में जो आपने पिन लगाया अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहां से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहां से सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव फोल्डर का, तो आप यहाँ से सेव फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको चेंज लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चेंज लॉक कर पाएंगे और चाहे तो उसको रीसेट भी कर पाएंगे, फोल्डर को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्लियर सर्च हिस्ट्री, यहाँ से आप जब क्लिक इसे पॉज कर देंगे, दोनों को चालू कर देंगे, तो आप जो भी गूगल पे सर्च मारेंगे वो हिस्ट्री नहीं रहेगा, और जो आपका हिडन फाइल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी नोटिफिकेशन है सबका, आपको नोटिफिकेशन जिसका लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अपनी मर्जी के अनुसार। उसके बाद यहां से फ्रेंड आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डार्क थीम तक, आप यहां पे इसे अगर अलाउ कर देंगे तो आपका जो बैक फोन जो है इस डार्क मोड में आ जाएगा, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल इसे ऑफ कर देता हूं। उसके बाद इस ऐप के बारे में आप जान सकते हैं, अबाउट फाइल्स ऐप का नीचे ऑप्शन दिखा है, यहां से आप अबाउट करके जान सकते हैं। उसके बाद जो एक और फ्यूचर फ्रेंड्स वो भी हम बता देते हैं, जैसे आपको ये क्लीन ऑप्शन में जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग फाइल दिख रहा है, अगर इस फाइल को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ये फाइल है फ्रेंड्स, अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको प्रेस करके रखेंगे और इसको इस साइड से स्लाइस करेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ से इस जो डाउन शो जो इसमें है जो ये फाइल है आपको 7 डेज तक शो नहीं होगा फ्रेंड्स। ऐसे आप यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो ये फाइल यहाँ से शो ही नहीं होगा, और डाउन शो अगेन अगर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल परमानेंट के लिए शो नहीं होगा, जब आप चाहेंगे फिर वापस लाना तभी आएगा। तो चलिए इस फाइल को हम आपको डाउन शो करके दिखा देते हैं, और मैंने इस फाइल को यहाँ पे हटा दिया, और इस तरह से एक फाइल और को मैंने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ से डाउन शो अगेन कर दिया, तो ये दो फाइल को मैंने परमानेंट के लिए हाइड कर दिया हूँ। लेकिन अब इस फाइल को अगर हमें वापस लाना है तो कैसे लाएँगे, तो चलिए फ्रेंड्स ये हम बता देते हैं आपको। इसके लिए यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा हिडन सजेशंस का, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे ब्लर वो किया था इसको दोनों को जो भी मैंने छुपा रखा था उसको यहाँ से शो कर देंगे, फिर इसको यहाँ से शो कर देंगे, तो ये फिर से दोनों फाइल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये फ्रेंड्स दोनों फाइल फिर से यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप भी अपने फोटो वीडियो को यहाँ से छुपा सकते हैं। जो एक और फ्यूचर है फ्रेंड्स वो भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो आपने जो सेव फोल्डर है, आपने जो फोटो वीडियो अगर इसमें कुछ भी छुपा रखा है और अगर इस सेव फोल्डर को भी आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद जब इसे हाइड कर देंगे ये सेव फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा, और आप अगर इसको वापस लाना चाहते हैं तो फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शो फोल्डर कर देंगे, तो ये सेव फोल्डर यहाँ पर दिखने लगेगा। सो फ्रेंड्स मैंने वीडियो में लगभग आपको सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। इस ऐप का नाम है गूगल फाइल्स, और ये गूगल का ऐप है फ्रेंड्स, और इसकी रेटिंग भी बहुत तगड़ी है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से सर्च करेंगे गूगल फाइल्स तो ये फ्रेंड्स यहां पे आ जाएगा फाइल्स। इस तरह से आप जब ओपन कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये ऐप आपको यहां पे शो कर जाएगा, और देखिए ये गूगल फाइल्स ऐप और ये गूगल का ऐप है, और बिल्कुल सिक्योर ऐप है फ्रेंड्स। और देखिए इसे 4.4 की रेटिंग है, इसको रिव्यू मिला है, 5 मिलियन लोगों ने इसे रिव्यू दिया है, और जो इसे डाउनलोड है 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया फ्रेंड्स। तो इसके बारे में और कुछ जानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 बिलियन प्लस बार इसे डाउनलोड किया गया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।